1/5 / 3 कैसे कैलकुलेट करें अभी हम सीखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं या 1/5 / 3 ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं डिवाइड करने के लिए सर्वप्रथम मुझे क्या करना होगा, एक अंक को लेना होगा और देखना है कि क्या ये 3 से बड़ा है। यहाँ पे डिवाइड आप कब कर पाते हैं दोस्तों, जब ये संख्या क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए, यानी जिस संख्या का हम डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो बड़ी नहीं है यानी हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करें, अगले अंक को और शामिल कर लें। अब कितना बन गया, 15 बन गया, 15 में हम 3 का डिवाइड कर सकते हैं। अब 3 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलें कि आपका 15 से बड़ा नहीं आना चाहिए, तो देखिए 3 का पहाड़ा बोलते हैं 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15। देखिए जब मैं 5 बार पहाड़ा बोलता हूँ तो मुझे 15 खुद मिल रहा है, ओके, तो इसको ले लेना है। जितनी बार पहाड़ा बोलते हैं वो भागफल बन गया, जो संख्या आया दोस्तों इसको हमें यहाँ इसके नीचे लिखना होता है, फिर हमने इसको माइनस करना होता है, 15 - 15 का 0 आ गया। तो ये दोस्तों आपका जो 5 आया है ये क्या बन गया, भागफल, और ये जो 0 है ये आपका क्या बन गया, शेषफल, ओके। तो इस तरीके से हमने अपना डिवाइड किया। धन्यवाद।